कॉमेडी लिखना भी कोई आसान काम नहीं है, लोगों को हंसी भी आनी चाहिए। ये किस्सा बड़े मजे का है। गांव के एक नीम हकीम के पास कहीं से एक टूटा फूटा फ्रिज आ गया था। तुम्हारा एक्सरे निकालना होगा, समझे ना, आँख खोलना मत। वो गांव के सीधे साधे लोगों को फ्रिज के सामने बिठाता था, फ्रिज का दरवाजा खोलता था, फ्रिज में से लाइट निकलते कहता था, अब लाइट जला रहे हैं, आँख खोल लो, हो गया तुम्हारा। फिर वो फ्रिज के पीछे से कोई भी पुराना धुराना एक्सरे निकाल के उन्हें थमा देता था और 100 रुपए ऐंठ लेता था। अगर आपको ये फनी लगा तो बांके बिहारी का किस्सा तो और भी फनी लगेगा। बांके बिहारी हंसोड़ थे, वो गमी में भी लोगों को हंसा देते थे, ऐसा ही कुछ उनके मरने पे भी हुआ। वृद्धावस्था में भी मस्खरे थे। एक दिन उनके पोते ने देखा कि बांके बिहारी बिस्तर पर लेटे टांगे दीवार पर रखे नमालूम कुछ गा रहे थे। अजीब तमाशा बनाए रहते हैं हर वक्त। फिर सोचा कि बुड्ढा बहुत टेढ़ा है, कौन पंगा ले, रहने दो। कुछ समय बाद जब उनका नौकर खाना लेके पहुंचा तो देखा बांके बिहारी को गुजरे तो अरसा हो गया, उनकी हड्डियां जकड़ गई थी। कहते हैं अभी टली नहीं थी, उनकी डेड बॉडी का बड़ा किस्सा हुआ। उसे सीधा करके रखो तो बांके बिहारी का शव बैठ जाए, लोग रोने आएंगे या हंसने। लेटा के रखो तो टांगे ऊपर, अब क्या करें। जैसे तैसे गाड़ी से बांधा और लेके भागे। तो भैया बात तो बहुत दुख की थी लेकिन देख के हंसी आ रही थी। हर एक आदमी को अलग अलग चीजों पर हंसी आती है। जैसे किस्सा हमने राम खिलावन को सुनाया तो एक बार पागलों के एक बस रास्ते में खराब हो जाती, उसके सारे पेंच खुल, उसका एक पहिया निकल जाता है। ड्राइवर को समझ में नहीं आता कि क्या करो। सुनो क्या एक काम करो, क्या बाकी के 3 टायरों में से एक एक पेंच निकाल लो, तो सब टायरों में 3-3 पेंच हो जाएंगे। अच्छा। और गाड़ी हमारी अस्पताल पहुंच जाएगी। तो ड्राइवर बोला, हमारा तुमने तो बड़ी होशियारी की बात की है, तो तुम तो पागल हो ना। पागल हो चुतिया थोड़े हो। हेलो गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।